आमेर में ऐतिहासिक परकोटे की दीवार गिर गई। नीचे बने हुए मकान पर यह दीवार गिरी और दीवार गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन राहत की बात यह कि दुर्घटना में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन इस जानकारी पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। देर रात की घटना बताई गई। आमेर थाने के पीछे की यह जानकारी सामने आई और तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जहां परकोटे में हिस्टोरिकल परकोटे की जानकारी मिल रही है, जहां दीवार गिर गई और एक मकान पर दीवार गिरी है। लेकिन ये जो घटना घटी इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल नीचे बने मकान पर ये दीवार गिरी, आमेर का ये ऐतिहासिक परकोटा जिसकी दीवार गिरने के बाद ये हादसा हुआ। हालांकि नुकसान जरूर हुआ है, अब देखना होगा कि इस निर्माण कार्य को जल्द कब पूरा किया जाएगा और मॉनिटरिंग भी लगातार जारी होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे जर्जर अवस्था में, चाहे वो ऐतिहासिक इमारतें हो या फिर कोई परकोटे की दीवार हो, फिर से कोई ऐसा हादसा ना हो, इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, सबसे राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं, कोई इस तरीके की घटना नहीं घटी, लेकिन घटना जरूर घटी है। फिलहाल इसे लेकर अपडेट कीजिएगा। पूनम, देखिए इस बार पूरे राजस्थान में जिस तरह से मानसून मेहरबान है और जबरदस्त बारिश की आवक हुई है, उससे आमेर भी अछूता नहीं है। और आमेर तो विश्व विरासत में शुमार है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि इतनी तेज बरसात आएगी। 11 साल बाद माउठे में मोरी लगी, सागर पे पानी की एक समय पूरी चादर चल रही है। लेकिन चूंकि ये बहुत पुरानी इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, तो ये जो परकोटे का, जो आमेर का परकोटे का एक हिस्सा है, पिछला आमेर थाने की तरफ वाला हिस्सा है, ये भरभराकर देर रात को गिर गया और नीचे एक जो मकान था, मकान की छत पर गिरा। उसमें चूंकि टीन शेड भी लगा हुआ था, बगल में और भी मवेशी भी बंधे हुए थे, लोग थे, इस गनीमत ये रही कि उसके गिरने से, मलबा गिरने से एकदम जो नीचे जो मकान था उसकी छत नहीं टूटी, लेकिन वो क्षतिग्रस्त जरूर हुआ, जिससे जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत की बात है। लेकिन खास बात यह है, देखिए आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने की बात चल रही है आमेर को, तो आमेर में इस तरह की बहुत सारी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी खाली जर्जर जो पुरानी हवेलियां हैं, वो निश्चित तौर पर हादसों को आमंत्रित कर रही हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आमेर का पूरी तरह से एक रेस्टोरेशन का एक वृहद कार्यक्रम, एक योजना बनाई जानी चाहिए, जिसके तहत पूरे आमेर को रेस्टोर किया जाए। क्योंकि जिस तरह इस बार बरसात हुई है, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी तेज बरसात होगी, माउठे में मोरी भी लगेगी, सागर भी चलेगा, अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर पानी भी आएगा, तो इसकी वजह से किसी तरह का कोई कंटिंजेंसी प्लान नहीं बनाया था, जो कि गलत है। तकनीकी तौर पर मानसून से पहले इस तरह के जो ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन इमारतें होती हैं, उनको लेकर इस तरह का एक आकस्मिक प्लान बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई हादसा होता है उस स्थिति में क्या करेंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी हम विजुअल दिखा रहे थे, सागर में कुछ निडर युवक लगातार छलांग लगाकर नारे से मौत को दावत दे रहे थे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे आमेर का एक मास्टर प्लान बने, आइकॉनिक डेस्टिनेशन के तहत या दूसरी योजना के तहत। और पिछले दिनों जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहाँ विजिट की, माउठे की, उसके बाद रवि सैन जो पर्यटन सचिव है वहां पहुंचे, तो तमाम इमारतों को पहले तो स्किलिंग की जानी चाहिए, उनकी स्कूटनी की जानी चाहिए, और उसके बाद किस इमारत की क्या स्थिति है उसको लेकर के एक प्लान बनना चाहिए। नहीं तो आज तो ये परकोटे की थोड़ी सी दीवार गिरी है, उससे पहले कंगूरा गिरा था, उससे पहले शीश महल के पास एक छोटा सा हादसा हुआ था, वहां पर भी एक कंगूरा टूट के गिर गया था। तो पूरे आमेर को तकनीकी तौर पर इसका किस तरह से केमिकल रेस्टोरेशन हो, इसका रेस्टोरेशन की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए, बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक इमारत है, हमारी शान है, हमारा सम्मान है पूरे राजस्थान का, देश का, तो निश्चित तौर पर उसके रेस्टोरेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो। इससे पहले भी जो हाथी जिस रास्ते से जाते हैं पूनम, वहां पर भी जो और बिल्कुल सही कहा। और निर्मल जी, सिर्फ यही नहीं, कई और इलाके हैं, चाहे वो फिर हम टाइगर पार्क का जिक्र कर ले, वहां पर भी इस तरह से मॉनसून का असर पड़ता नजर आ रहा है। अगली खबर उसी पर ही, उस पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।